हेलो दोस्तों, मैं हूं रेहमान भामानी। स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे पीपीएफ का, इसको पब्लिक प्रोविडेंट फंड या पीपीएफ के बारे में, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है और क्या रूल्स है उसके बारे में। पहला उसका बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट देख लेते हैं हम लोग। पीपीएफ को ईईई मॉडल भी कहा जाता है, यानी कि आपका एग्जेम्प्ट ऑन डिपॉजिट। जब भी आप डिपॉजिट करते हो तभी आपको सेक्शन 80C के अंदर 1.5 लाख तक का बेनिफिट मिलता है। अगर आपको एटीसी के बारे में नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने एटीसी के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। और जब भी आपको पीपीएफ का इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट भी आपका टैक्स फ्री रहेगा, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा आपको। और जब भी आप विड्रॉल करेंगे पीपीएफ का, जब विड्रॉल करेंगे तभी उसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है एग्जेम्प्ट या ईईई मॉडल, मतलब एग्जेम्प्ट ऑन डिपॉजिट। जब भी आपने डिपॉजिट किया तभी भी आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, जब आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तभी भी आपको कोई टैक्स नहीं देना, और जब भी विड्रॉ करेंगे तभी भी आपको कोई टैक्स नहीं देना। अब आइए बात करते हैं पीपीएफ का इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। अभी आपने आपके अकाउंट में जो भी पीपीएफ का अमाउंट रहेगा, मतलब मंथ के 5 तारीख तक आपने जो भी आपके पीपीएफ के अमाउंट अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ रहेगा, उसके ऊपर आपको पूरे महीने भर का इंटरेस्ट मिलेगा। और मान लीजिए कि आप 6 तारीख या उसके बाद में आप डिपॉजिट कर रहे हैं, तो वो अमाउंट के ऊपर आपको उस महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसका इंटरेस्ट आपको नेक्स्ट मंथ से मिलेगा। तो अगर आपके पास आप डिपॉजिट करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि 5 तारीख के पहले कर दे, ताकि आपको पूरे महीने का इंटरेस्ट मिले। फिर ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन होता है मंथली, आपका वो दिन के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं होगा, इसमें कैलकुलेशन मंथली होता है। और ये जो कैलकुलेशन होता है मंथली, बट आपके अकाउंट में, पीपीएफ के अकाउंट में वो लोग क्रेडिट करते हैं साल के आखिर में, और उसका आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी मिलता है। मतलब मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर का जो भी इंटरेस्ट आया, नेक्स्ट ईयर के अंदर आपको वो इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा। और ये इंटरेस्ट रेट डिसाइड कौन करता है, ये हर बार गवर्नमेंट डिसाइड करती है हर 3 महीने के अंदर। और इस इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई टीडीएस देने की जरूरत नहीं है, या इसके ऊपर टीडीएस नहीं काटती है। जहां पे भी आपका पीपीएफ का अकाउंट रहेगा वहां पे आपका इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। आपने अगर देखा होगा तो आपका एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर आपको टीडीएस कटता है, बट पीपीएफ में क्योंकि वो पीपीएफ टैक्स फ्री है उसके ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। एक बार देख लेते हैं अपन के इंटरेस्ट रेट्स क्या है पीपीएफ के अंदर। अभी करंटली जो रेट चल रहा है वो 7.90% चल रहा है, और आप देख सकते हैं कि लास्ट 2002 से लेकर अभी तक का जो इंटरेस्ट रेट है वो मैंने एक समरी के तौर पे आपके सामने रखा हुआ है। आपको 9% से लेके मिनिमम आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर 7.6% तक मिला हुआ है। तो आप एक मान के चल सकते हैं कि 7.6% से ज्यादा आपका 15 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गया हुआ। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिसको रिटायरमेंट के लिए रखा जाता है, और इसके अंदर लॉक इन पीरियड 15 ईयर्स का रहता है, 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स, और उसके बाद आप हर 5 साल के अंदर आप उसको एक्सटेंशन करा सकते हो। उसके लिए आप एक अलग से फॉर्म भर के आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो 5-5 साल के लिए। और ये इसकी जो पीपीएफ की गारंटी होती है वो गवर्नमेंट ने गारंटी दी हुई है कि आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि बैंक की तरह कि जो आपका अगर बैंक बंद हो जाता है तो हो सकता है कि आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है या आपको पैसा रिटर्न नहीं मिलता है, इसमें वैसा नहीं है। इसकी गारंटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ली हुई है। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका जो पीपीएफ का अकाउंट है वो कोर्ट के दौरान, मतलब कोर्ट के कोई भी केस के दौरान आपका वो पीपीएफ का अकाउंट आपकी कोई भी लोन या लायबिलिटी को सेटल करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। मान लीजिए आप बैंकरप्ट भी हो जाते हैं तभी भी आपका पीपीएफ का अकाउंट, जैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, वो आपका इन्वेस्टमेंट आपको रिटायरमेंट के लिए ही रखा गया है, वो आपकी लोन या लायबिलिटी, या अगर आप बैंकरप्ट होते हैं तो आपको सारी लायबिलिटी आपकी पे करनी होती है पीपीएफ के अंदर। पीपीएफ का अकाउंट जो है वो आपकी वो लायबिलिटी सेटल करने के लिए यूज नहीं किया जाएगा कोई भी कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा। अभी 15 फुल ईयर्स का क्या मतलब है वो एक बार समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप फरवरी 2020 में स्टार्ट करते हो आपका पीपीएफ का अकाउंट, तो फुल फाइनेंशियल ईयर का बात किया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर मतलब आपका अप्रैल से स्टार्ट होगा और आने वाली मार्च में खत्म होगा। अगर आपको फाइनेंशियल ईयर के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा वीडियो भी देख सकते हो,
मैंने ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर के बारे में वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर मैं फरवरी 2020 से स्टार्ट करता हूं तो मेरा फाइनेंशियल ईयर वो लोग कैलकुलेट करेंगे 1 अप्रैल 2020 से, और आपका जो 15 साल खत्म होगा वो 31 मार्च 2035 में खत्म होगा। बट ऐसा नहीं कि आपको फरवरी या मार्च का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट आपको ये अकाउंट का मैच्योरिटी रहेगा आपका ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, मतलब 31 मार्च 2035 के बाद में आपका मैच्योरिटी होगा। अभी बात करते हैं मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट के अंदर। इस पीपीएफ के अकाउंट में मिनिमम आपको 500 रुपीज हर साल जमा कराने हैं और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपया साल का इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये 1.5 लाख रुपया चाहे आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर दे, चाहे आप 12 इंस्टॉलमेंट में या 10 इंस्टॉलमेंट में, जैसा आपकी मर्जी चाहे वैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, पहले ये 12 डिपॉजिट्स की लिमिट रखी हुई थी कि आप साल में 12 डिपॉजिट ही कर सकते हैं, बट अभी वो लिमिट हटा दी गई है। और मान लीजिए आपने 500 रुपीज किसी कारणवश आप ये 500 रुपया जो सालाना भरना है आपको वो नहीं भर पाए, तो आपको 50 रुपया पेनल्टी भरना पड़ेगा पर फाइनेंशियल ईयर ऑफ डिफॉल्ट। मतलब अगर आप एक साल मिस कर दिया आपने, तो 500 रुपए का आपको 50 रुपया पेनल्टी भर के आप वो वापिस, मतलब 500 प्लस 50 रुपया पेनल्टी भर के आप वो अकाउंट आपका रिस्टार्ट कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप 1.5 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कोई 1.5 लाख के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट सिर्फ 1.5 लाख के ऊपर ही मिलेगा। अभी बात करते हैं कि आप डिपॉजिट कर कैसे सकते हैं पीपीएफ के अंदर। आप चाहे तो ईसीएस करवा सकते हैं, आप चाहे तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब आप मान लीजिए अगर आपका बैंक्स में है कोई बैंक या पीपीएफ में आपने बैंक या पोस्ट ऑफिस में आपने पीपीएफ अकाउंट खुला रखा है, तो आप उधर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं कि भाई मेरा सेविंग अकाउंट में से हर महीने पैसे आप जो है पीपीएफ में ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरी एक बात होती है कि आप एनईएफटी भी करवा सकते हैं, आप चेक से भी दे सकते हैं, आप कैश से भी दे सकते हो, सारे ऑप्शन है आपके पास पीपीएफ में पैसे जमा कराने के लिए। अभी बात करते हैं कि अकाउंट ओपन कहाँ कर सकते हैं हम लोग। तो अकाउंट ओपन आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या ऑथराइज बैंक्स में कर सकते हो, जो भी गवर्नमेंट बड़ी बड़ी गवर्नमेंट बैंक्स है या प्राइवेट बैंक्स है, मान लीजिए एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, और आपका प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, वो सारी जो बड़ी बैंक्स है उसमें आप करवा सकते हो। और माइनर का भी अकाउंट खुल सकता है, बट माइनर का अकाउंट ओपन कौन करेगा, जो भी गार्डियन रहेगा उसका, मदर या फादर, वो ऑपरेट करेंगे। और एनआरआई अकाउंट नहीं ओपन करा सकते हैं पीपीएफ का। और अगर ऑलरेडी आप जब भी इंडिया में थे, मान लीजिए आप जब भी इंडिया में थे तभी आपने अकाउंट ओपन करा रखा है और अभी आप एनआरआई हो गए हो, तो आप वो अकाउंट कंटिन्यू कर सकते हो, बट 15 साल तक का वो आपका अकाउंट कंटिन्यू रहेगा, 15 साल के बाद आपका वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा या मैच्योर हो जाएगा। आपका वो जो 5 साल का एक्सटेंशन जो नॉर्मली सिटीजंस को मिलता है, इंडियन सिटीजंस को, वो एनआरआई को नहीं मिलेगा। पीपीएफ अकाउंट जो है वो आप जॉइंट नेम में नहीं खोल सकते, मतलब आप हस्बैंड वाइफ हो तो दो जन मिलके एक अकाउंट नहीं खोल सकते, आपको सिंगल नाम पे ही खोलना पड़ेगा। और एक पर्सन का एक ही अकाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप दूसरी बैंक में जाके या एक बैंक में आपने अकाउंट खुलवा लिया तो आप दूसरी बैंक में जाके दूसरा अकाउंट खुला लेंगे या पोस्ट ऑफिस में जाके तीसरा अकाउंट खुला लेंगे, वैसा अलाउड नहीं है। आप एक पर्सन को एक ही अकाउंट खोलना है और वो आप अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। अकाउंट कैन बी ट्रांसफर, मतलब आप एक बैंक से या पोस्ट ऑफिस से ट्रांसफर करके दूसरी बैंक में या दूसरे पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हो। अब बात करते हैं लोन की। तो आपको लोन मिल सकता है ये पीपीएफ के अकाउंट के ऊपर, बट आपका एक साल कंप्लीट होना चाहिए और एक साल कंप्लीट होने के बाद में आपको लोन की फैसिलिटी मिलेगी, और वो लोन आप 5 साल के पहले तक विड्रॉ करा सकते हो। मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर से कंप्लीट होने के बाद से 5th ईयर के कंप्लीशन तक आप लोन की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। 5 साल के बाद आपको विड्रॉल का फैसिलिटी मिलता है, वो आगे देखेंगे हम लोग। हाँ, अगर मान लीजिए मैंने एग्जांपल में लिया हुआ है फरवरी में मैंने अकाउंट खोला, फरवरी 2020 के अंदर, तो मेरे को लोन का फैसिलिटी कब मिलेगा, 1st अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2026 तक मेरे को लोन का फैसिलिटी रहेगा। अभी लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना देना है, तो आपको लोन के ऊपर जो भी एग्जिस्टिंग रेट चल रहा होगा इंटरेस्ट रेट पीपीएफ का, उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा देना है आपको सालाना। मतलब अगर आपका
अभी जो ऐसा 7.9% चल रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको 8.9% के हिसाब से आपको लोन मिलेगा। पहले ये 2% था कि आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ता था, अभी सिर्फ 1% आपको एक्स्ट्रा देना है। और आप एक साल में एक ही लोन ले सकते हैं, एक फाइनेंशियल में एक ही लोन ले सकते हैं, और एक टाइम पे आपका एक ही लोन चलना चाहिए। अगर आपका ऑलरेडी एक लोन चल रहा है, आपको दूसरा एक लोन चाहिए उसके अंदर से, तो आपको जो पहला वाला लोन है वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको दूसरा लोन मिलेगा। और ये जो आप लोन लेंगे वो आपको 36 मंथ्स में कंप्लीट करने हैं, मतलब कि आपका 3 साल के अंदर आपको ये लोन रीपे करनी है। अभी बात करते हैं विड्रॉल की। जैसे हमने देखा आपका एक साल खत्म होने के बाद आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है 5 साल खत्म होने तक, 5 साल खत्म होने के बाद आपको मिलेगा विड्रॉल का फैसिलिटी। पर विड्रॉल के लिए आपका स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कि आप क्यों विड्रॉ करना चाहते हो। दो ही रीजन अलाउड है, एक तो है मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि आपके फैमिली में से किसी को सीरियस इलनेस हो गई है, आपको सीरियस इलनेस हो गई जिसमें आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आपको प्रूफ देके आप पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। या तो फिर आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे चाहिए, तो उसके लिए भी आप पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। अभी आ जाते हैं हम लोग क्लोजर के ऊपर, पीपीएफ आप कब क्लोज करवा सकते हो। क्लोज करने के लिए आपके पास 5 साल के बाद ही आप पीपीएफ का अकाउंट क्लोज करवा सकते हो। और अगर आप पीपीएफ का अकाउंट क्लोज करवाते हो तो आपको जो एग्जिस्टिंग रेट है, मतलब जो भी आपका इंटरेस्ट अक्रू हुआ है जो रेट के हिसाब से, उससे आपको 1% कम मिलेगा। मतलब अभी मान लीजिए 7.9% से आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो वो लोग कट करके 6.9% के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट देंगे। और यह विड्रॉ सिर्फ 3 ही सूरतों में कर सकते हो, 3 रीजन के लिए ही कर सकते हो। पहला, जैसे हमने विड्रॉल के लिए देखा कि हम विड्रॉ के लिए 2 रीजन थे, वही सेम 2 रीजन पहले वही है कि आप मेडिकल रीजन के लिए विड्रॉ क्लोज करवा सकते हो। आपके फैमिली मेंबर्स की या आपकी अगर सीरियस इलनेस हुई है जिसके लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो आप ये पैसे विड्रॉ करवा सकते हो। दूसरा है कि आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या आपकी खुद की हायर एजुकेशन के लिए आपको जाना है, तो उसके लिए भी आप विड्रॉ करवा सकते हो। और मान लीजिए आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेंज होता है, मतलब अगर मैं रेसिडेंट हूं और मैं एनआरआई हो जाता हूं, तो भी मैं ये पीपीएफ का अकाउंट क्लोज करवा सकते हो। बट ये पीपीएफ का अकाउंट क्लोज करने से पहले ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको इंटरेस्ट रेट जो है उससे 1% कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अभी बात करते हैं कि आपका ये इंटरेस्ट पीपीएफ का कैलकुलेशन करे कैसे। तो ये मैंने एक एक्सेल शीट बनाया हुआ है, जिसके अंदर ये येलो वाले जो फील्ड्स है उसमें आप इनपुट कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं 10,000 रुपया महीने का डिपॉजिट कर रहा हूं और 15 साल का मेरा पीरियड है और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 7.9% लिया हुआ है, तो आपको मैच्योरिटी पे मिलेगा 34,29,000। ये मैंने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाया हुआ है। और डिपॉजिट आपने कितना किया, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 12, मतलब आप 1,20,000 साल का किया और 15 साल से मल्टीप्लाई करके 18,00,000 रुपए आपने डिपॉजिट किया और इतना जो है आपको वो इंटरेस्ट मिल गया है। आप चाहे तो उसको चेंज करके आप चेक भी कर सकते हो कि अगर आप महीने का मान लीजिए 5,000 रुपए डिपॉजिट करवाते हो तो आपको मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.9% है। तो मान लीजिए आप आगे चल के रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होकर 8% हो जाता है, तो आप वो भी कैलकुलेट कर सकते हो कि 8% इंटरेस्ट हो जाता है तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा। ये एक्सेल शीट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, तो आप चाहे तो उधर से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियोस जानने मिलते रहे। थैंक यू।